माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं मोनिका अरोड़ा फिर आपके साथ, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्ट मटेरियल के बारे में। हमें पेंटिंग्स करने के लिए कौन कौन से आर्ट मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो अगर आप आर्ट लवर हैं, पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक्रेलिक पेंटिंग बनाने के लिए और ऑयल पेंट्स से पेंटिंग्स बनाने के लिए मेरे पास ये बड़ा कैनवास रोल है, तो मुझे जिस भी साइज़ की पेंटिंग बनानी होती है मैं उस साइज़ में इसको कट कर लेती हूँ। और अगर आप बिगनर्स हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी छोटे ही कैनवास पे बनाइएगा आप, बड़ा परचेज करने की। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं यही कहूँगी कि अभी आप छोटा कैनवास बोर्ड ले लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। A4 साइज़ के या A3 साइज़ के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और उसे स्मॉल साइज़ के भी अवेलेबल होते हैं, तो वो आप खरीद कर पेंटिंग बना सकते हैं। बट अगर आप एक्सपर्ट हैं और पेंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैनवास रोल, तो ये तो बात हुई कैनवास रोल की, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप मार्केट में खरीद सकते हैं इसको, और आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमें वाटर कलर पेंटिंग बनानी है, वाटर कलर से पेंटिंग बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो वाटर कलर पेंटिंग अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मार्केट में इस तरह की लूज में आपको हैंडमेड शीट्स मिल जाती हैं। ये आपको अलग अलग प्राइजेस में मिल जाती हैं। जैसे अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, तो 25 रुपीज़ की, 30 रुपीज़ की, 40 रुपीज़ की भी मिल सकती है। बट मेरे पास जो ये है, ये 200 रुपीज़ की 25 शीट्स हैं। तो ये हैंडमेड शीट्स होती हैं जो आपको मार्केट में मिल जाती हैं, तो इस पे आप A4 साइज़ की पेंटिंग बना सकते हैं आराम से। इसी तरह से अगर आप वाटर कलर पेंटिंग बनाना चाहते हैं, एक्रेलिक पेंटिंग बनाना चाहते हैं, स्मॉल साइज में बनाना चाहते हैं, तो ये A5 का स्केच पैड आता है मार्केट के अंदर, आप ये परचेज कर सकते हैं। ये आपको इजीली 70-80 रुपीज़ में मिल जाता है, तो इस पर आप अपनी बेसिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं विद वाटर कलर। के बाद हम बात करेंगे A3 साइज़ की पेंटिंग की। तो A3 साइज़ के लिए भी A3 साइज़ की हैंडमेड शीट्स जो हैं, ये मार्केट में आराम से मिल जाती हैं, तो ये आप इजीली परचेज कर सकते हैं और इस पे अपनी वाटर कलर पेंटिंग या फिर एक्रेलिक पेंटिंग बना सकते हैं। ये हैंडमेड शीट होती हैं। अब बात करते हैं, अगर बड़ी पेंटिंग्स बनानी है तो मेरे पास बड़ी पेंटिंग्स के लिए ये स्केच पैड है। बड़ी वाटर कलर पेंटिंग्स जब भी मुझे बनानी होती हैं तो मैं इस स्केच पैड का यूज़ करती हूँ। ये 270 GSM का है, और इसी में मेरे पास एक और है जो 350 GSM का है, जिसमें वाटर कलर जो पेंटिंग है उसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा आता है, और ये ब्यूटीफुल इसकी शीट्स होती हैं। ये 270 GSM का पेपर है, और इसमें 25 शीट्स होती हैं, और ये मार्केट में इजीली आपको 850-900 का पैड मिल जाता है, जिसमें आप 25 पेंटिंग्स बना सकते हैं। ये मेरे पास एक दूसरा वाटर कलर पेंटिंग्स के लिए ही पैड है, जो 440 GSM का है, और इसमें भी 25 शीट्स होती हैं, और ये भी कॉस्ट करता है आपका 900 के आसपास। तो इसमें आप 25 पेंटिंग्स इसमें भी आप आराम से बना सकते हैं, अगर आप वाटर कलर पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरे पास एक स्केचबुक ये भी है, जिस पर मैं मोस्टली अपनी पेंटिंग्स बनाती हूँ, और इस पर इसका जो पेपर है वो एसिड फ्री है। इसमें हम एक्रेलिक पेंटिंग और आपका वाटर कलर बोथ पेंटिंग्स हम इस पर क्रिएट कर सकते हैं। इसका भी रिजल्ट बहुत फाइन होता है। 32 शीट्स एक स्केचबुक के अंदर होती हैं, और ये भी 1000 के आसपास ही आपका कॉस्ट करती है। तो ये तो बात की हमने अभी स्केच पैड्स की और कैनवास की, कि हमें कौन सा कैनवास चाहिए,
कैनवास दो तरह के आते हैं मार्केट में, एक होता है कि जिस पर आपको वन वाइट कोट किया हुआ होता है और एक होता है कि उस पर कोट नहीं किया होता। चलिए ये तो बात हुई कैनवास के बारे में और आपकी स्केच पैड्स के बारे में कि आपको स्केच पैड्स कौन कौन से आप ले सकते हैं। अगर आप वाटर कलर पेंटिंग कर रहे हैं तो हमेशा 250 GSM से ऊपर की ही स्केच बुक लीजिएगा क्योंकि उस पे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। चलिए अब बात करते हैं ब्रशेस के बारे में। तो ब्रशेस के लिए अगर आप बिगनर्स हैं स्टार्टिंग से करना चाहते हैं तो आप फैबर कैसल के ये राउंड ब्रशेस मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये आपको 250 रुपीज के मिल जाते हैं। ये 7 ब्रशेस का सेट होता है और इसी तरह से फ्लैट ब्रशेस फैबर कैसल के ही आप फ्लैट ब्रशेस खरीद सकते हैं। इसका MRP 450 रुपीज होता है। इसके साथ साथ आपने ये 2 ब्रशेस के सेट खरीद लिए लेकिन हमें कई बार बहुत बारीक काम करना होता है पेंटिंग बनाने में तो उसके लिए हमें 0 नंबर का ब्रश राउंड ब्रश 0 नंबर में राउंड ब्रश और 0, 00 और 000 के ब्रशेस की नीड पड़ती है। तो मेरे पास ये 3 ब्रशेस हैं जो ब्रूस्ट्रो कंपनी के ही हैं और इनका MRP 100 से 150 रुपीज ईच होता है। और इसी तरह से फ्लैट ब्रशेस हैं मेरे पास कैमलिन कंपनी के, तो इस तरह के फ्लैट ब्रशेस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये फ्लैट ब्रश है जो आप थोड़ी सी जब बड़ी पेंटिंग बनाते हैं उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। अब बात करते हैं कलर्स के बारे में। तो अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग बना रहे हैं तो आपको ज़रूरत होती है एक्रेलिक कलर्स की। तो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं बिगनर हैं तो आप फेविक्रिल के कलर्स ले सकते हैं जो बहुत स्मॉल पैक आता है, वो 200 रुपीज़ 250 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाता है। वो आप लेकर अपनी पेंटिंग बना सकते हैं। मेरे पास वो कलर स्मॉल साइज के नहीं होते हैं तो मैंने फेविक्रिल के सारे शेड्स ले रखे हैं तो मेरे पास सारे कलर्स के शेड्स हैं और वो बिग बॉटल्स में हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा मेरे पास ब्रूस्ट्रो कंपनी के ही ये मेटालिक कलर्स हैं। इसमें ब्रूस्ट्रो कंपनी के मेटालिक कलर्स हैंगे और ये सेट ऑफ 24 है, 24 शेड्स इसमें मेटालिक कलर्स के हैं। और सेकेंड वन मेरे पास है ब्रूस्ट्रो कंपनी का ही एक्रेलिक कलर का पैक, इसमें भी 24 शेड्स हैं। इसी तरह से बड़े पैक्स में 120 ml में ये ट्यूब्स आती हैं एक्रेलिक कलर में ब्रूस्ट्रो कंपनी की ही, तो ये भी आप लूज में अगर मंगाना चाहते हैं कोई भी शेड आप मंगाना चाहते हैं तो आप इजीली मंगा सकते हैं। इसी तरह से कैमिल कंपनी के भी ये कलर ट्यूब्स रहती हैं एक्रेलिक कलर ट्यूब्स जो आप आराम से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है एक्रेलिक पेंटिंग में। और अगर आप बनाना चाहते हैं मधुबनी पेंटिंग, आपको मधुबनी पेंटिंग अच्छी लगती है, आप मधुबनी पेंटिंग करना चाहते हैं तो मधुबनी पेंटिंग की जो रिक्वायरमेंट हमें रहती है वो रहती है हमें माइक्रोन पेंस की। तो ये माइक्रोन पेंस का सेट है, ये 1180 रुपीज़ का सेट मार्केट में आपको मिलता है। तो आप इसको ऑनलाइन या मार्केट में जाकर परचेज कर सकते हैं क्योंकि कलर्स के लिए तो हमारे पास वही सेम एक्रेलिक कलर, वाटर कलर या आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं मधुबनी पेंटिंग में, लेकिन उसकी जो लाइनिंग करनी होती है हमें, लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, तो उसके लिए आपको माइक्रोन पेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग बना रहे हैं तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फेविक्रिल के हों, फैबर कैसल के हों, ब्रूस्ट्रो के हों या किसी और कंपनी के हों। लेकिन अगर आप नाइफ पेंटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको ब्रूस्ट्रो और कैमिल की ट्यूब्स का ही यूज़ करना है क्योंकि उसी से आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। उसमें आपके जो फेविक्रिल के जो कलर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं वो। तो नाइफ पेंटिंग करने के लिए हमें ज़रूरत होती है नाइफ्स की। तो ये नाइफ्स का सेट आता है मार्केट में, आप कोई भी नाइफ का सेट खरीद सकते हैं। मेरे पास ये ब्रूस्ट्रो कंपनी का ही नाइफ का सेट है, 5 नाइफ्स का सेट आता है ये, और ये आप
नाइफ पेंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आप वाटर कलर पेंटिंग बनाना चाहते हैं और अभी आप बिगनर हैं वाटर कलर पेंटिंग में, तो आप ये फैबर कैसल की वाटर कलर पेंसिल खरीद सकते हैं और इससे आप अपनी वाटर कलर पेंटिंग जो है बना सकते हैं। इसी तरह से ये कैमल के वाटर कलर्स आते हैं जो 20 ml की ट्यूब्स होती हैं, इसका रिजल्ट भी वाटर कलर पेंटिंग्स में बहुत अच्छा है, तो ये भी आप बाय कर सकते हैं, बहुत आराम से खरीद सकते हैं। और आपको ग्लास पेंटिंग बनानी है तो आप ग्लास कलर खरीद सकते हैं फेविक्रिल के, ये 10 शेड्स का पैक होता है और आप इजीली इसमें एक मार्कर आता है आपका ब्लैक कलर का, जिससे आप आउटलाइनर मार्कर जिसको हम बोलते हैं वो आउटलाइनर के लिए हम यूज करते हैं और आप अपनी ग्लास पेंटिंग बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको सॉफ्ट पेस्टल्स अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट पेस्टल की पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं, तो सॉफ्ट पेस्टल्स के लिए भी आप ये ड्राई सॉफ्ट पेस्टल्स है मेरे पास, तो ड्राई सॉफ्ट पेस्टल्स को यूज करके आप अपनी पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं, ये भी मार्केट में आपको आराम से मिल जाते हैं। वाटर कलर पेंटिंग के लिए ही आप ये स्मॉल वाटर कलर केक्स किट जो आती है मार्केट में, ये भी ले सकते हैं, इससे भी आप अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लव करते हैं मंडाला आर्ट पेंटिंग से, कि आपको मंडाला आर्ट करनी है, आजकल बहुत फेमस है मंडाला आर्ट, कॉस्टर्स क्या, बॉटल्स क्या, और मतलब सभी चीजों पे मंडाला आर्ट चल रहा है, तो मंडाला आर्ट पेंटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टूल्स की जरूरत होती है। तो मंडाला आर्ट के लिए आपको दो टाइप के टूल्स आपके पास होने चाहिए, एक तो ये टूल्स हैं आपके जो आपको 350 रुपीज में मिल जाते हैं, और एक सेट होता है आपका मंडाला आर्ट में ही स्मॉल साइज में ये टूल्स होते हैं, तो ये 150 to 200 रुपीज का सेट आप आराम से मार्केट में जाकर खरीद सकते हैं। और अगर आपको बनानी है क्ले पेंटिंग, आप क्ले पेंटिंग करना चाहते हैं, तो क्ले पेंटिंग के लिए ये क्ले टूल्स हैं जो आपको मार्केट में मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं ये टूल्स आपके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें जरूरत होती है पेंटिंग्स के लिए वो होती है बेसिक स्टेशनरी की। हाँ जी, तो आपके पास आपकी स्केचिंग पेंसिल्स जरूर होनी चाहिए, मेरे पास ये फैबर कैंसिल की पेंसिल, और ये अप्सरा कंपनी की वाइट मार्किंग पेंसिल्स हैं जो ग्लास मार्किंग के नेम से आती हैं मार्केट में, इसको आप किसी पर भी आराम से ड्रॉ करने के लिए, आपको कोई फिगर ड्रॉ करनी है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो, आपको ग्लास के ऊपर कोई फिगर ड्रॉ करनी है, आपको मेटल के ऊपर कोई फिगर ड्रॉ करनी है, हार्डबोर्ड के ऊपर कोई फिगर ड्रॉ करनी है, या आपको ब्लैक कैनवास के ऊपर अपनी कोई फिगर ड्रॉ करनी है, तो इन पेंसिल्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसी के साथ हमें जरूरत होती है मास्किंग टेप की, हमें अपनी पेंटिंग को जब उसको सेट करना होता है तो उसके लिए हमें मास्किंग टेप चाहिए होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। इरेजर, शॉर्पनर, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास एक स्मॉल और एक बिग रूलर दोनों होने चाहिए, ताकि आप अपनी लाइंस को इजीली ड्रॉ कर पाए। एक स्मॉल सीजर आपकी किट में होनी चाहिए जरूर। और एट लास्ट में आपके पास अपना टिश्यू पेपर जरूर होना चाहिए, आपके पास टिश्यू पेपर होने चाहिए। टिश्यू पेपर आपको ईजिली, आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको फटाफट से इरेज कर सकते हैं, तो जो आपका रफ क्लोथ है वो आपके पास होना चाहिए, अगर रफ क्लोथ नहीं है तो आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं अपने ब्रशेस को क्लीन करने के लिए। और अगर आप कपड़ों पे पेंटिंग करना चाहते हैं, कुशंस पे कोई पेंटिंग करना चाहते हैं, आप घर के कर्टेन्स पे पेंटिंग करना चाहते हैं, या बेडशीट्स पर पेंटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए फेविक्रिल के ये फैब्रिक कलर्स आते हैं, ये आप मार्केट से खरीद सकते हैं और अपनी पेंटिंग्स बना सकते हैं, अपने कर्टेन्स को सुंदर सुंदर डिजाइन दे सकते हैं। तो होप
आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और जिन बच्चों को मुझसे शिकायत थी कि अभी तक मैंने आर्ट मटेरियल पे कोई वीडियो लॉन्च नहीं की, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगी। तो अगर आप लोगों को सच में वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, वो मुझे एनकरेज करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल की भी वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। तो तब तक के लिए अलविदा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।